दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव, दोनों पक्षों में हुआ भीषण टकराव। हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा, अचानक पथराव होने से भड़की हिंसा, वायरल वीडियो में धारदार हथियारों के साथ दिखे लोग। आरोपी पक्ष ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर लगाया हिंसा के लिए उकसाने का आरोप, धार्मिक स्थल में जबरन घुसने की कही बात। हिंसा के दौरान लाठी डंडों के साथ दिखे उपद्रवी, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शोभा यात्रा पर किया हमला। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले, हालात को नियंत्रण करने पहुंची पुलिस टीम पर भी किया हमला। झड़प के बाद सड़कों पर दिखी भारी भीड़, कैमरे में कैद हुई पथराव की तस्वीरें, उपद्रवियों को रोकने के लिए लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। दिल्ली में हुई हिंसा पर पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिए गए 10 लोग, दोषियों को दबोचने के लिए गठित की गई 10 टीमें, पुलिस के आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। जहांगीरपुरी उपद्रव को लेकर गृह मंत्रालय सख्त, गृह मंत्री अमित शाह ने की दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात, कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। जहांगीरपुरी इलाके में तैनात आरएएफ के 200 जवान, दिल्ली समेत यूपी पुलिस को भी अलर्ट रहने के आदेश जारी, पुलिस की कई कंपनियां भी मौजूद। सड़कों पर दिखे जहांगीरपुरी हिंसा के निशान, सड़कों पर बिखरे दिखे पत्थर और शीशे, इलाके में ड्रोन की मदद से रखी जा रही निगरानी। जहांगीरपुरी हिंसा पर बोले केजरीवाल, बयान जारी करते हुए कहा दिल्ली में सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी, दिल्ली में बनाए रखे शांति। एफआईआर में हुए कई बड़े खुलासे, एफआईआर के मुताबिक शांति से चल रही थी शोभा यात्रा, वहीं कुछ लोगों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने का किया गया दावा। पीएमओ के मुताबिक 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात दौरा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 18 अप्रैल को गांधीनगर के स्कूलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का करेंगे दौरा। पीएमओ ने बताया प्रधानमंत्री के दौरे का ब्यौरा, 19 अप्रैल को बनासकांठा में कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला, साथ ही महिला पशुपालकों से करेंगे बात। भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, 21 अप्रैल को गुजरात और दिल्ली का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया जाएगा जोर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत दौरे से पहले जारी किया बयान, लोकतंत्र और मित्र देशों का एक साथ रहना बताया जरूरी, बोले अनिश्चित समय में यूके के लिए मूल्यवान रणनीतिक भागीदारी है भारत। असम को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच आईआईटी कानपुर ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट, चौथी लहर आने की जताई संभावना, अगस्त के आखिरी तक पीक पर होने की कही बात। आईआईटी कानपुर के मुताबिक 22 जून 2022 के आसपास शुरू हो सकती है कोरोना की चौथी लहर, वहीं 4 महीने तक लहर के बरकरार रहने का अनुमान। दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी आग, राहत बचाव कार्य जारी, दमकल की गाड़ियां बुझा रही आग, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दुनिया में अब तक 50 करोड़ 43 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने, करीब 45 करोड़ से ज्यादा मरीज बेखबर, मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 975 कोरोना मरीज, करीब 796 लोग हुए ठीक, वहीं 4 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 11,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में भी बड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 461 नए मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केस 1,262, मौतों का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में कल के मुताबिक घटे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में मिले सिर्फ 98 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 626, मौतों का आंकड़ा 1,47,000 के पार।
पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 13 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वही मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 102 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 507, वही मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिला कोरोना के 2 नए मरीज, कुल मामले 8 लाख के पार, केवल 8 एक्टिव केस, वही मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ा है कोरोना का मामला, 24 घंटे में मिले कोरोना के 202 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, एक्टिव केस 835 से ऊपर, वही मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 15 केस, कुल मामले 2 लाख के पार, 53 एक्टिव केस, मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ के पार। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीटीआई सांसदों का भारी हंगामा, पीटीआई के नेताओं पर लगा डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ मारने का आरोप। यूक्रेन रूस के युद्ध का 53वां दिन, महासंग्राम जारी, यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की रणनीति बना रहा रूस। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बोले अनिल विज, का बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजा गुरुग्राम, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फ्री सुविधा देने को बताया छुआछूत की बीमारी, कहा इस बीमारी की शुरुआत केजरीवाल ने की, यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक। मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने मांझी जैसे लोगों को बताया धरती का बोझ, कहा मांझी जैसों को हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास का कुछ नहीं पता। अजान और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर अनिल विज ने दी प्रतिक्रिया, कहा सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है और सरकारों को सभी के लिए एक नियम बनाना चाहिए। महम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नगर पालिका चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, अनाज मंडी का दौरा कर किसानों और आढ़तियों की सुनी समस्याएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का विश्व में बज रहा डंका, जिस वजह से महम में नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की होगी बंपर जीत। कृषि मंत्री ने कहा अब तक प्रदेश की अनाज मंडियों में 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की हो चुकी है खरीद, सरकार का प्रयास है कि किसानों को 72 घंटे के अंदर मिले उनका पैसा। रोहतक में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, कहा फसलों पर बोनस की मांग विपक्ष की राजनीति, हरियाणा में एमएसपी के दाम से ऊपर बिक रही सभी फसलें। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगी कांग्रेस, फेसबुक और ट्विटर की राजनीति से कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। पंचकुला में गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, कार्यक्रम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में पंचकुला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल और उपायुक्त महावीर कौशिक भी हुए शामिल। तफला में विधायक नयनपाल रावत ने पीडब्ल्यूडी और बीएंडआर के अधिकारियों के साथ की बैठक, जल्द ही सड़कों को दुरुस्त करने के अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कुश्ती को लेकर राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करने पर अभय चौटाला का बयान, कहा केंद्र सरकार से बात करें, हरियाणा सरकार भारत की तरक्की रोकने के लिए अपनाए जा रहे रास्ते। पंजाब सरकार के फैसलों पर अभय चौटाला का बयान, कहा अभी तक जो 3 घोषणा की उन पर नहीं हुआ कोई काम। रोहतक में अशोक तंवर राज ने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मौके पर कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। प्रदेश की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नकल पर नहीं लग रही लगाम, सीएम फ्लैंक टीम ने नकल के 73 मामले किए दर्ज। सिरसा से पैदल चलकर अंबाला में अनिल विज के जनता दरबार पहुंचा एक बुजुर्ग, गृहमंत्री से लगाई इंसाफ की गुहार। कार्यक्रम को सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत किया गया लॉन्च, निमोनिया के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश के लिए सांस कार्यक्रम के तहत अवेयरनेस पर दिया जाएगा जोर। सोनीपत में निमोनिया से बचाव के लिए एक्शन मोड में प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की सोशल अवेयरनेस अभियान की शुरुआत।
नारनौल के साथ लगते बछौद हवाई पट्टी के विस्तारीकरण पर काम शुरू। हवाई पट्टी के साथ लगते तीन गांव की 234 एकड़ भूमि ई पोर्टल के माध्यम से लेगी सरकार। नूह में पानी की किल्लत से परेशान हुए लोग, हर माह 3000 रुपए का पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे लोग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में चरखी दादरी का जवान हुआ शहीद, परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। सिरसा अनाज मंडी मजदूर वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान ने सिरसा मार्केट फीस चोरी करने का आरोप लगाया, मजदूरों ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार, जिला प्रशासन से प्राइवेट फार्मर द्वारा मंडी में ही गेहूं की खरीद करवाने की मांग। कालावाली अनाज मंडी बंद कर आड़ती लोगों ने की नारेबाजी, एफसी आई हैफेड सहित खरीद एजेंसियों पर लगाए आरोप। फरीदाबाद के आदर्श नगर में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर लोगों के बीच रोष, टावर नहीं लगने देने के विरोध में धरने पर बैठे लोग। फतेहाबाद में एनएचएम आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी, कर्मचारियों ने काले कपड़े और काले बिल्ले लगाकर शहर में भर में प्रदर्शन करते हुए मनाया काला दिवस। रोहतक की फैक्ट्री में काम कर रहे एक इलेक्ट्रिशियन की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों ने लघु सचिवालय के बाहर शव रखकर लगाया जाम। फरीदाबाद में 8वीं मंजिल से गिरकर हुई मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की जांच। कोरोना में कार डिवाइडर से टकराई पलटी, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। सोनीपत में आईसीएस कोचिंग की लाइव क्लास का वीडियो वायरल, वीडियो में जूतों से एक स्टूडेंट्स की पिटाई करता नजर आ रहा टीचर। जश हत्याकांड में बड़ा खुलासा, चाची अंजलि ने की थी गला घोटकर हत्या, ताई और दादी भी गिरफ्तार, तीनों को भेजा जेल। गरौंडा के डिंगर माजरा रोड पर सीआईए टीम को मिली साथ मारपीट की गई, वहीं चोरी के केस को लेकर युवक को पकड़ने गई थी टीम। आरोपी युवक के परिवारजनों ने पुलिस के साथ की थी मारपीट, हवलदार की फाड़ी बरदी, पुलिस ने हवलदार की शिकायत पर आरोपी परिवार के खिलाफ केस किया दर्ज। वहीं परिवार के लोगों ने भी पुलिस पर मारपीट करने के लगाए आरोप, पुलिस में दर्ज कार्रवाई की शिकायत, पुलिस ने पूरे मामले को लेकर छानबीन की शुरू। गुरुग्राम में सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज, हरियाणा के एसपीडीसी दफ्तरों में खालिस्तानी झंडा फहराने की दी थी धमकी। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों ने एक दुकान पर की छापेमारी, अवैध तरीके से बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते हुए एक युवक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। नांगल चौधरी में सीएम फ्लाइंग और खुफिया विभाग की टीम ने 50 से अधिक मिनी क्रैशर जुजगांव में की छापेमारी, सभी मालिक अपनी फैक्ट्री बंद कर हुए फरार। यमुनानगर के वेंटेज पैलेस में शादी समारोह में हुई फायरिंग के चलते मौके पर एक युवक की मौत, तीन लोग हुए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, अज्ञात बदमाशों ने कार में पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग, पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जींद में रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से अपराध शाखा का एएसआई घायल, 2,62,00,000 की लूट के आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस। पानीपत के समालखा में 32 साल के युवक की हत्या, शव को बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अतिक्रमण के खिलाफ रोहतक नगर निगम सख्त, मेन बाजार में हटाया अतिक्रमण, किला रोड को कराया जाम। जयराम ठाकुर का नादौन दौरा, नादौन को दी करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। हमीरपुर में सीएम जयराम ठाकुर ने नेता विपक्ष पर कसा तंज, बोले पंडित जी के दावे हुए फेल, गलत साबित हुई कांग्रेस की भविष्यवाणी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा, बोले अब बदल गया पुराना रिवाज। आम आदमी पार्टी पर भी सीएम जयराम ठाकुर ने कसा तंज, कहा हमारी घोषणा से तिलमिला गई आम आदमी पार्टी, पार्टी छोड़कर भाग रहे उनके नेता।
सीएम जयराम ठाकुर का महिलाओं के लिए 50% बसों में किराया कम करने पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, कहा केजरीवाल मॉडल को बीजेपी कर रही फॉलो। मुफ्त बिजली बस किराए में महिलाओं के लिए 50% कटौती पर जनता टीवी ने जानी जनता की राय, कुछ ही देर में देखिए पहाड़ को चुनावी गिफ्ट। मंडी में आधी रात को एक्शन मोड में दिखे परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर, सड़कों पर लगाया नाका, 30 से ज्यादा गाड़ियों का किया चालान। ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का दौरा, मेगा मेडिकल कैंप का किया उद्घाटन। हिमाचल में महंगा हुआ हेली टैक्सी का सफर, चंडीगढ़ से धर्मशाला 336 रुपए, चंडीगढ़ से कुल्लू का 320 रुपए तक का बड़ा किराया। शिमला में वीकेंड पर उमड़ा सैलानियों की भीड़, हजारों की तादाद में बड़ी पर्यटकों की आवाजाही, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल में सूखे की चपेट में आए सेब, जून में झड़ने वाले दाने, अप्रैल में गिरने से बागवानों की बड़ी चिंता, कम ऊंचे क्षेत्रों में ज्यादा खतरा। पावंटा साहिब में भारतीय खाद निगम की तरफ से जिले के 3 केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू, पहले दिन एफसीआई ने किसानों से की 200 क्विंटल गेहूं की खरीद। सोलन के सभी स्वास्थ्य खंडों में 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित होंगे स्वास्थ्य मेले, लोग बढ़ चढ़ कर लेंगे हिस्सा। शिमला में जाखू मंदिर में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया मंदिर गेट और मंदिर में बनने वाली यज्ञशाला का शिलान्यास, यज्ञशाला पहाड़ी शैली में होगी निर्मित। किन्नौर में कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट सूर्य बोरस का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी के नेता वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली जमीन के पट्टों पर ना करें राजनीति। कुल्लू में बूथ स्तर पर युवा कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर शुरू, प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमित पठानिया ने कहा महंगाई और रोजगार को लेकर करेंगे सरकार से सवाल। कुल्लू में भूतनाथ पुल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कमेटी ने जताया रोष, खराहल घाटी के 9 पंचायतों को भी कुल्लू ब्लॉक में शामिल करने की रखी मांग। धर्मशाला में आप नेता का बीजेपी पर निशाना, कहा सरकार की घोषणाएं सिर्फ दिखावा, प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा है धोखा। बिलासपुर में अग्निशमन केंद्र ने किया अग्निशमन सप्ताह का आयोजन, लोगों को किया आगजनी को लेकर जागरूक।